ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, पेड़ गिर गया, अब मेरे को झुक के जाना पड़ेगा, लेकिन मैं झुकेगा ना। शूज, टैंक बैग, हेलमेट, सब कुछ रेडी है और मैं भी रेडी हो गया हूँ राइड के लिए। और इस बार सही में बाइक पे मिलेंगे, क्योंकि मैंने इस बार चेक कर लिया हूँ कि एक्शन कैमरा बिल्कुल भी टाइमलेस मोड में ना हो लास्ट टाइम समान। तो अभी मिलते हैं सीधा बाइक पे। चलो भाई, बाइक तो कोल्ड स्टार्ट कर दिया हूँ, टैंक बैग लगाना। कितने बजे है अभी? 6:20 हो गए हैं अभी। चलो इस बार तो मैं सोलो नहीं जा रहा हूँ। जब मैं सोलो नहीं जाता हूँ ना, तब मैं नेविगेशन का काम निखिल को दे देता हूँ। बाय द वे, मेरे साथ निखिल भी आ रहा है अपने एवेंजर पे, वो नेविगेशन संभाल लेता है और मैं मोटो ब्लॉगिंग और राइड पे ध्यान देता हूँ, मेरा एक काम आसान हो जाता है। चलो निकलते। ये है RBI स्क्वायर। वैसे तो ये पूरा खचाखच ट्रैफिक से भरा हुआ रहता है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है इसलिए सुबह सुबह के टाइम ट्रैफिक नहीं है, वरना तो बहुत ही भीड़ रहती है। अभी हम आ गए हैं सदर वाले फ्लाईओवर पे, वही अपना हमेशा वाला NH 47 वाले हाईवे से ही जा रहे हैं। बहुत ही मस्त लाल लाल समय। और अभी हम लोग हाईवे छोड़ के सर्विस लेन में आ गए। यहाँ से राइट लेने का है सर्विस लेन से। ओके, तो ये है। बहुत ही जल्दी हाईवे खत्म हो गया यार, सूर्य देवता क्या मस्त दिख रहा है यार, एकदम सुंदर। अभी दिखेगा शायद, ये एक्सपोजर ही इतना है ना ये कैमरे का, थोड़ा अच्छा कैमरा होता तो देख पाते। खैर, कोई ठंडी हाथों को लग रही है। चलो हो गया, 5 मिनट रुके थे। क्या है ना, ठंडी में ग्लव्स पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। सब बोलो। लगता है फिर से हाथ ठंडे पड़ गए, पड़ेंगे ही ना भाई, ठंडी इतनी है। हाँ ना, एक हाथ जेब में डाल दिया कर। ठंड तो मेरे भी हो गए हाथ अभी, सूर्य देवता फेल है। तो अभी 5 मिनट का ब्रेक लिया था, फिर से हाथ ठंडे पड़ गए थे, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा हो गया अभी। और अभी पारशिवनी 10 किलोमीटर है और अपना कोनवार अभी उसे और 25 किलोमीटर जाना है अभी, और यहाँ से 10-15 किलोमीटर होगा। हाँ तेरी स्पीड ब्रेकर। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, चार्जिंग नहीं करके लाया था क्या? फिर ला इधर, मेरे पास है चार्जर। अरे तो चलाने में अपना अलग ही आनंद है। ओ तेरी स्पीड ब्रेकर, बैठो बैठो बैठो, हट, स्पीड ब्रेकर लगा दिया। पहुंच गए हैं कुनवारा फ्यूल स्टेशन बराबर 8:32, 8:30 बजे पहुंच गए। कहाँ लगाए गाड़ी, ये प्रश्न है। यहाँ लगा देते ऊपर में, नजर भी आएंगी। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, गाड़ियां यहाँ पे रख दिया, पार्क कर दिया है।
यहाँ से व्यू तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन असली व्यू ऊपर जाके दिखेंगे अभी ट्रैक करने के बाद। यहाँ पे मंदिर है, हमेशा ही बंद रहता है सुबह के टाइम। बोटिंग भी है, हाँ। यहाँ पे बोटिंग भी है, मस्त है कि तुम शांत शांत। तो अभी हमने ट्रैकिंग शुरू कर दिया है, अभी आराम से जाएंगे। लास्ट टाइम मैं बहुत घाई घाई में गया था, फर्स्ट वीडियो था वो मेरा जिसमें मैंने यूट्यूब पे इस जगह का वीडियो डाला था, और वो एक साल पहले डाला था। यहाँ भी वाटर क्रॉसिंग छोटी सी, बारिश में बहुत जाना ही जा ही नहीं पाते होंगे। एक और अड़चन दिख रही है मेरे को आगे, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, पेड़ गिर गया। अब मेरे को झुक के जाना पड़ेगा, लेकिन मैं झुकेगा ना। अरे यहाँ तो पेड़ ही गिरा हुआ है पूरा का पूरा। ले अब इसके ऊपर से चढ़ के जाना है क्या? अरे पूरा पेड़ उखड़ गया, इसके ऊपर से चढ़ के जाऊंगी। अब मेरे पैर दुखना चालू हो रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है पूरा, ऑलमोस्ट ले यार, चल उधर से सही है। अब असली व्यू है, अब है असली व्यू। लास्ट टाइम मेरे को याद है जब मैं आया था एक साल पहले, तब इतना क्लियर व्यू नहीं दिखता था। मतलब ये जो है ना, जहाँ से हम लोग अभी ऊपर आए हैं, ये बस यही तक क्लियर दिखता था। इसके पीछे का पूरा कोहरे कोहरा कोहरा हो गया था, लेकिन इस बार पूरा क्लियर दिख रहा है क्योंकि मैं लेट आया हूँ। इस बार एक महीना लेट आया था, पिछले बार 31 दिसंबर को आया था, और तब मेरे पास इतना अच्छा कैमरा भी नहीं था, मतलब मोबाइल नहीं था कि मैं अच्छे से दिखा सकूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा अच्छे से दिखा सकता हूँ। ये पेंच रिवर है, और इसके अगर आगे इसको फॉलो करते हुए आगे जाएंगे ना, तो वो अपना टोटला डोर डैम है ना, जो अपन बोल रहे थे जाने वाले हैं एक बार, वो डैम वहाँ पे मिलेगा यहाँ से कंटिन्यू होते वक्त। और वो डैम का खासियत क्या पता है क्या? वो डैम का जो पानी है वो आधा मध्य प्रदेश में है और आधा महाराष्ट्र में, तो वो भी एक बार देख के आएंगे। अभी नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया है, फोटो वगैरह रील्स वील्स सब ले लिया है, अभी निकलने की प्लानिंग है। पूरा उतरना पड़ेगा फिर से। इस साइड पे मेरे को एक और व्यू पॉइंट जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, वो देश था, वो जो टेंपल था उसके राइट साइड से ट्रैक करते हुए आए तो
से अभी हम जा रहे हैं नीचे वापस, और अभी नीचे जाने के बाद देखेंगे जाते वक्त रास्ते में घोघरा महादेव करके एक जगह है टेंपल जैसा, वो रास्ते में ही पड़ता है, तो लगे आते वहाँ भी जाके आ जाएंगे, क्योंकि अब इतना दूर आ गए हैं तो वापस जाते वक्त रास्ते में ही पड़ रहा है करके जा रहे, वापस रिपीट कौन आएगा फिर से, इसलिए सोचा अभी जाते वक्त ही देख के आ जाते। चलो अब मिलते हैं सीधा नीचे। पहुंच गए बाइक के पास, किसी ने कुछ छेड़खानी नहीं किया गाड़ी के साथ, ये हेलमेट भी पूरे लॉक करके रखे थे दोनों के एक ही लॉक से, कोई छेड़खानी नहीं किया। मैं ग्लव्स अभी नहीं पहनता, अभी यहाँ से वो ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, हाँ क्योंकि वो नागपुर से 40 किलोमीटर है, तो यहाँ से तो 10 ही किलोमीटर होगा। जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर, यहाँ पे कौन रेस करेगा यार, ये क्या रेसिंग ट्रैक है क्या, जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर लगा के रखे इन्होंने। लेकिन रास्ता बढ़िया है जंगल के बीच से, वहाँ भी लोग आ रहे 10-11 बजे लोग आते, 10-11 बजे हम लोग जाते, वो मानना पड़ेगा यार। ये हैंडल बार रहे सर बहुत ही मस्त है, जरा सा भी मेरे को पेन नहीं हुआ बैक में, और जरा सा भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब इस बार मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, वरना पहले मेरे को ऐसे झुक के चलाना पड़ता था, लेकिन अब एकदम स्ट्रेट हो गया, फिर बढ़िया है। अब तक और स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर भी ये तो सिर्फ 50 किलोमीटर वाली राइड पे ज्यादा नहीं थी, इसलिए इतना महसूस इतना फील नहीं हुआ होगा। तो आने वाली राइड में मैं जब लॉन्ग राइड छोड़ूंगा तब ये हैंडल बार रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अबे घोघरा महादेव में इधर रखने बोलता पापा, बड़ी चट्टाने दिख रही है मेरे को। पहुंच गए हैं हम लोग घोघरा महादेव टेम्पल, बहुत धूप है, एकदम चुप रही है धूप। तो अब जैसे तैसे करके पत्थरों के ऊपर से आए थोड़ा सा, यहाँ पे आके नाग देवता और नंदी देव है, तो यहाँ से आगे घोघरा महादेव 5 मिनट रुकेंगे फिर निकल जाएंगे। निकलते हैं, चलो ये वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।